दो शब्द अज दे इस प्रसंग दे विच आपां विचारांगे। इहदे विच भी रविदास महाराज जी परमात्मा दे भगत दी गल करदे हन कि परमात्मा दे भगतां ने किवें बख्शिशां प्राप्त कीतियां। आसा राग दे इस शब्द दे विच महाराज बख्शिश करदे हन, आसा हर 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 हरे, छे वारी हर हर लिखिया है, छे वारी। कहिंदे ओ परमात्मा दे भगत उस परमेश्वर दे हर नाम नूं, परमेश्वर दे नाम नूं जिहड़ा सारिआं नूं हरिया करन वाला है, जिहड़ा सारिआं दे विचों गुनाहां नूं चुराण वाला है, चुराण नूं कहिंदे हरना, जिहड़ा सारिआं दे अंदरों विकारां नूं साड़ के सवाह कर दिंदा है, साड़न नूं वी हरन कहिंदे हन, हर हर कर दित्ता, साड़ दित्ता। ते सारे दे अंदर हरिया भरिया जीवन भरन वाला, सारे दे अंदर हरियाली भरन वाला परमेश्वर उस दे नाम नूं जिहड़े भगत जन जपदे हन उहनां दा भव सागर तों निस्तारा हो जांदा है, पार उतारा हो जांदा है। अगे फिर दृष्टांत दिंदे हन कि जिन्हां ने उस परमात्मा दे हरी दा सिमरन कीता ना उहनां नूं की बख्शिशां होईआं। हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। बड़े बड़े भगतां दा पार उतारा होया इस संसार सागर तों, भव सागर तों, जिन्हां ने हरी परमेश्वर दा नाम जपिया, सिमरन कीता, जिन्हां ने बंदगी कीती है, भगती कीती है। अगे रहाओ विश्राम दे करके कहिंदे हन, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। परमेश्वर दे नाम दे करके हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन। देखो रविदास महाराज कहिंदे परमात्मा की बंदगी कीती कबीर ने, कबीर जी ने ऐसी बंदगी कीती उन्हां दा सारे पासे काशी दे विच जय जयकार प्रकाश हो गया, नाम चमक गया उन्हां दा, दूर दरेडे तक कबीर जी की जय जयकार होण लग पई। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। ते जन्मां जन्मांतरां दे उन्हां दे हिसाब किताब दे लेखे जोखे कागज जिहड़े सन फाड़ दित्ते धर्मराज ने, भाव के अंतशकरण दे विच जिहड़े जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार बन जांदे आ ना, ओह भी कागज ओह संस्कार उस परमेश्वर ने पाड़ के सिट दित्ते, ते कबीर जी दा आउण जाउण दा चक्कर खत्म हो गया। निमत नाम देओ दूध पी आया, निमत दा अर्थ हुंदा इहनूं निमत नहीं पढ़ना, निमत पोला जिहा, निमित दा अर्थ हुंदा निम्रता सहित हो करके भावना दे नाल श्रद्धा दे नाल। दूसरा अर्थ है निमित भाव के कारण बन गया। हुण नामदेव जी रोज़ नहीं जाते सन मंदिर दे विच, ठाकुर नूं भोग लवाण वास्ते रोज़ नहीं जाते सन, वह तो कारण बन गया। एक दिन अचानक पिता जी नूं बाहर जाना पिया, कहण लगे नामदेव नामिया मैं चलिया कितें बाहर, ते ठाकुर की पूजा करी, ठाकुर जी नूं दुध दा भोग लवाना है, ते मैं कितें चलिया ते ये काम तूं करना। हुण बद्दा चिट्टी कह लो जां प्रेम दे नाल कह लो, प्रेम दे विच वस हो करके निम्रता दे नाल नामदेव जी ने उस परमात्मा नूं दुध पियाया। निमत नाम दियो दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया। उन्होंने अपने जन्म के जितने भी संकट सन, गरीबी दे जां होर लोकां दे ताडे मेणियां दे जां अपने जीवन दे कितने भी दुख होंदे हन, एक विछोड़ा परमात्मा दा विछोड़ा भी बहुत वड्डा दुख है, एक दुख भूख जिंदगी दियां भुखां जिंदगी दे दुख, एक दुख सख्तवार जमदूत जमदूतां दा डर ये भी बहुत वड्डा दुख है। नामदेव जी ने एक वारी परमात्मा नूं दुध पिया करके परमात्मा तो ऐसी खुशी प्राप्त कीती ते जन्मां जन्मांतरां दे संकट खत्म कर ले, दुख खत्म कर ले, आण जाण दा चक्कर खत्म कर लिया भगती करके। अखीर ते रविदास महाराज कहिंदे जन रविदास राम रंग राता, इउं गुरप्रसाद नरक नहीं जाता। रविदास जी कहिंदे हन कि मैं भी कबीर जी दे वांगू नामदेव जी दी वांगू उस परमात्मा दे प्रेम रंग विच रत्या गया हाँ, प्रेम रंग दे विच भिज गया हाँ। मैनू ये पता है, मैनू हुण भरोसा है परमेश्वर दे नाम दे उपर, हुण गुरु की कृपा दे नाल, गुरप्रसाद की कृपा दे नाल, गुर शब्द की कृपा दे नाल,
मैं हुण नरकां विच नहीं जा सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ऐसा भरोसा रविदास महाराज कहिंदे मैनूं हुण नरक नहीं तंग कर सकदे, जमदूत मेरे नेड़े नहीं आ सकदे। इस करके कहिंदे हन कि परमात्मा की बंदगी करदे रहना चाहीदा, क्योंकि परमात्मा की बंदगी करन दे नाल भगतां ने बहुत उच्चा मरतबा प्राप्त किया है। अगले शब्द विच रविदास महाराज जी, वह भी शब्द छोटा जिहा, एक बहुत ही लोभी बंदा सी, विकारी बंदा सी, कदे भी परमात्मा का शुक्र करन वाला नहीं, कदे भी किसी नूं दान पुन करन वाला नहीं, कदे भी किसी गरीब की मदद करन वाला नहीं, हर वेले अपने धंधे विच खचत रहिंदा है। तो उन्हूं देख करके रविदास महाराज जी उपदेश उन्हूं बख्शिश करदे हन कि यह शब्द उच्चारण किया, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। वो भाई देखो किदा ये मिट्टी का पुतला, पंज तत्तां का पुतला, मिट्टी का पुतला किवें नचदा फिरदा। माया दे हथों माया साज भी जांदी है ते ये नचदा फिरदा। देखै देखै सुनै बोलै दौरे ओ फिरत है। कदे सज्जे देखदा, कदे खब्बे देखदा, कदे उपर कदे थले, कदे अगे कदे पिछे, बड़ी दूर तक यह देखदा है। सुनदा भी बड़ी दूरों तक, बड़ा तिखा सुन लैंदा है, बहुत चंगी तरह सुन लैंदा है, फिर बोलदा बड़ी तेज है। जिन जेवा दित्ती बोले तात, जबान बड़ी तेज बोलन वाली है। मिट्टी का पुतला देखो है, पुतला ही है, फिर दौड़दा फिरदा है, चारे पासे दौड़दा फिरदा, सारा दिन दौड़ लगी रहिंदी है इहदी। मिट्टी का पुतला आम मूर्ति बनी हो तो हिलदी तक नहीं, पर यह परमात्मा ने कैसा पुतला बनाया, देखो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, दौड़ता भी फिरता है। ये रविदास महाराज जी उस परमात्मा का अचरज कौतक साडे सामने रखते हैं। रहाओ विश्राम दे करके फिर अगे कहते, जब कछ पावे तब गर्भ करत है। गर्भ नहीं बोलना, गर्भ बोलना, बब्बा लगा है ना, जे पब्बा लगन दा फिर गर्भ होना सी। गर्भ दा अर्थ हुंदा है माता दा उदर, माता दी कुख, मां दी कुख, इत्थे गर्भ है। गर्भ दा अर्थ हुंदा है अहंकार, माण करदा है। जदों कुछ प्राप्त हो जांदा है, थोड़ी जी इज्जत मिल गई, थोड़ी जी उस्तत मिल गई, बड़ा माण करदा है। जे थोड़ी जी निंदिया हो गई तो बड़ा अहंकार, बड़ा गुस्से विच आ जांदा है, बहुत गुस्से विच आ करके निराश हो जांदा है। थोड़ा जा पैसे का लाभ हो जाता तो बड़ा खुश हो जाता है, गर्व करता है, हंकार करता है। अगे दसणगे, माया गई तब रोवण लगत है। धंधे विच थोड़ा जा नुकसान हो जाए, जेब विच थोड़े जे पैसे गुआच जाण तो बड़ा रोंदा है, सारे नूं दसदा मेरा तो नुकसान बड़ा हो गया। पर जदों कदों फायदा हुंदा उदों किसे नूं दसदा, जदों अकाउंट विच लखां रुपए आंदे उदों किसे नूं दसदा नहीं, जदों कितें 100-200 कि डिग पैंदा, घाटा पै जांदा, सारी दुनिया नूं दसदा मैं तां लुट्टिया गया। इस करके रविदास महाराज कहिंदे देखो ये जीव मिट्टी का पुतला किवें तमाशे करदा है। जब कछ पावै तब गर्व करत है, माया गई तब रोवण लगत है। मन बच क्रम रस कसहि लुभाना, क्रम बोलना है, कर्म नहीं बोलना। कक्के दे पैर च अद्धा रारा है तो उन्हूं क्रम बोलीदा, जे कक्का रारा मम्मा होवे तो फिर कर्म बोलीदा, उहदे अर्थ वक्खो वक्ख हुंदे हन। मन करके, बचना करके ते क्रम करके, जदों मन करके सोच दे विच बंदा तरह तरह के विकार सोचदा, तरह तरह के कर्म सोचदा, फिर बचना करके किसी की निंदिया करदा, किसी नूं माड़ा बोलदा, फिर क्रम करके हाथां दे नाल किसी का नुकसान करता, किसी के घर चोरी करता, किसी नूं मारदा कुटदा, जां किसी का कतल भी कर दिंदा, उन्हूं क्रम कहा जांदा। मन करके, बचन करके, फिर क्रम करके, मन करके किसी का भला सोचिया ते बचना च करके किसी नूं भला कह दिता, ते क्रम करके कहिंदे किसी का भला कर दिता हाथां दे नाल। मन करके किसी का बुरा सोचिया, बचन करके किसी नूं बुरा कह दिता, फिर क्रम करके किसी का बुरा कर दिता। कहिंदे ये तीन कर्म हन जिहड़ा बंदा दिन रात हर रोज़ तीन कर्म करदा ही करदा, भावें चंगा होवे भावें माड़ा होवे, यही कर्म फिर साडे संस्कार बन जांदे ते यही कर्म साडे प्रालब्ध बन जांदे हन, जिन्हां करके जन्मां जन्मांतरां दे गेड़े लग शुरू हो जांदे हन। रस कसे हैं लुभाना, तरह तरह दी सवादलियां चीज़ां, तरह तरह के सवादले रसां दे विच ते विकारां दे कसां दे विच,
माड़े रस ते चंगे रसां नूं दिन रात इहदे विच लुभाएमन हो करके खचत रहिंदा है, पर परमात्मा दे नाम रस नूं कदे चखदा नहीं। परमात्मा दे प्रेमा भगती दे रस नूं कदे इह चखदा नहीं, इस करके वांझा रहि जांदा दुनिया ते। बिनस गया जाए कहूं समाना, जदों नास हो जांदा मर जांदा इह जीव, मिट्टी दा पुतला खत्म हो जांदा है, मिट्टी बन जाता है, मिट्टी विच रुल जाता है, तो ये अंदर जिहड़ी आत्मा है वह पता नहीं कित्थे चली जाती है, होर किसी जुना च भटकन लग पैंदी है, इस मिट्टी दी पुतले नूं छड करके। जित लागो मन वासना अंत साई प्रगटानी, जिदा की वासना होंगी उदा की फिर उन्हों जोन मिलती है, उदा दे फिर जीव दे विच जा करके आत्मा प्रवेश कर जाती है। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सौ मोहे प्रीत बन आई। मोहे मम्मे होड़ा ते मम्मे दे पैर विच औंकड़ भी है, इनू ना मोहे बोलना ना मोहे बोलना, इनू बोलीदा मोहे। बाजीगर सौ मोहे प्रीत बन आई, छोटा जा पोला जा शॉर्ट दे विच अखर बोलना। रविदास महाराज कहिंदे सारी दुनिया की खेड एक बाजीगर की खेड है, बाजीगर परमात्मा है, ते जितने भी आप जीव जंतु हाँ, पशु पंछी हाँ, मनुख है, इस्त्रियां हैं, उस बाजीगर के बनाए हुए पुतले हैं। जिवें बाजीगर अपने पुतलियां नूं खड़ाउंदा है, अपने मदारी नूं खड़ाउंदा है, उस तरह सारे जीव खेड़दे हैं, पुतले खेड़दे हैं। बाजीगर से मोह प्रीत बने आई, उस बाजीगर परमेश्वर दे नाल मेरी बड़ी प्रीत बन गई है, क्योंकि तमाशे बड़े सोहने करता है, वह खेलां बहुत सोहनिया करदा, इस करके वह बाजीगर मैं पसंद आ गया, उहदे नाल मेरा प्रेमा भगती वाला रिश्ता बन गया, उस दे नाल मेरा ऐसा स्नेह बन गया जिहड़ा जन्मा जन्मांतरां दा रिश्ता बन गया, हुण उहनूं मैं छड्ड नहीं सकदा, उहदी बंदगी करन विच बहुत आनंद है। इस करके रविदास महाराज जी ने यह दो शब्द सानूं उपदेश विचों दित्ते हन कि भाई परमात्मा की बंदगी दे विच बहुत रस है, परमात्मा की बंदगी दे विच बहुत आनंद है। ये जिंदगी बंदगी करने वास्ते मिली है, बंदा सानू तां ही बनाया कि बंदगी करिए, परमात्मा के नाम विच जुड़िए, ते इह लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। एक मार्च तो आपां शब्द विचार ने शुरू किए हैं, 40 शब्द जिन्हां दे विचों आपां कई शब्दों की विचार कर ली है, तो सच्चे पातशाह जी उस शब्दों के विचों आप अज का शब्द जिहड़ा है गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं गुजरी राग दे विच। गुजरी राग दे विच 525 अंग के शब्द सुभाए मान है बाणी श्री रविदास जी। गुजरी श्री रविदास जी के पदे घर तीजा, तीसरे घर सुरताल दे विच पदयां दी बाणी भाव के रविदास महाराज के पावन मुखारबिंद तों शब्द उच्चारण होया है। गुजरी राग दे विच इक्को ही शब्द है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जदों किसी ने देखिया तर्क करन वाले ने कि रविदास कहन नूं तां भगत है पर तू कदे पूजा नहीं करदा, कदे ठाकुरां दी पूजा नहीं करदा, कदे तू धूप बत्ती नहीं जलांदा, कदे तू किसी ठाकुर नूं मूर्ति नूं दुध दा भोग नहीं लवांदा, कदे फुल भेट नहीं करदा। ये देख के मैनू बड़ा हैरानीजनक अंदर सवाल पैदा होंदा, कहिंदे तैनू भगत है तू भगती कादी करदा, ये किस ढंग की भगती हुई कि जिहदे विच ना फुल ना दुध ना धूप ना दीप, ये कैसी भगती है, ये कैसी पूजा हो। हुण रविदास महाराज जी उसनू समझांदे हन, दूध तां बछर है थन होम बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगारियो। हे भाई दुध तू कहना दुध भेट करना चाहिए, दुध सुचा तो नहीं है, कहते दुध सुचा होंगे ठाकुरों ने भुग लगता, दुध सुचा कितों हो गया, दूध तो बछर है थनों बिटारे, बिटारे का अर्थ होंगे जूठा कर दिता बिगाड़ दिता। बछरे पहला दुध चंघाया जाता है तो वह दुध तो पहला जूठा कर दिता बछरे ने, दुध तो बछरे पहले ही भोग लग गया। फूल भवर जल मीन बिगाड़ियो, तो फुलां नूं भवरियां ने जूठा किया, उत्ते बैठ बैठ के फुल भी जूठे हैं, जल मीन बिगाड़ियो, जल के नाल मूर्तियां का इशनान कराइए, जल तो पहले जूठा है क्योंकि मच्छियां उही पानी पीदियां हैं, तो उस पानी के मलमूत्र कर दियां हैं,
पानी तो जूठा हो गया। दूसरा अर्थ इहदा सुनो, दूध तो बछरै थन हो बिटारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। देख भाई तू कहना है कि ठाकुर नू उस भगवान नू दुध का भोग लाइए। देखो बछड़ा जड़ा है उहदे विच परमात्मा वसिया, परमात्मा ने तो पहले ही भोग ला दिता बछड़ा बन के बछड़े विच समा करके पहले ही दुध पी लिया, हुण दुध पिलाण दी की लोड़ है उसनू। फूल भवर फुलां दे विचों जिहड़ी खुशबू लैणी सी परमात्मा ने भवरा बन के उह रस आप ही चूस लिया, आप ही खुशबू लै ली उहदी। जल मीन बिगाड़ियो, जल दे विच मच्छी बन के जल दे जीव बन के परमात्मा आप जल नूं पी रिहा ते जल नूं भोग ला रिहा, आप ही इशनान करी जा रिहा पाणी दे नाल। फिर मैनूं की करन दी लोड़ है, सानूं की करन दी लोड़ है, ओह अगे दसणगे। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, इत्थे अखर लिखे ने चचा रारे कन्ना वाहवा कूड़े औंकड़, चरावो नहीं पढ़ना चरावो। केड़ी पूजा मैं करां, केड़ी पूजा दे इह समान नूं समगरी नूं लै करके भेट करां चढ़ावां उस मालक दे अगे उस ठाकुर दे अगे। माई दा अर्थ हुंदा हे मां भाव के ऐसा संगत जी मैं केड़ी पूजा करां, केड़ी समगरी उस परमात्मा नूं भेट करां चढ़ावो। माई गोविंद पूजा कहां लै चढ़ावो, अवरन फूल अनूपन पावो। जदों इसनूं अलग अलग करके पढ़ांगे अवर ना फूल अनूप ना पावो, ये अर्थ होर बन जाते। पर विद्वाना ने ये अर्थ किए हैं अवरन फूल अनूपन पावो, वो ऐसा कोई फुल नहीं है जिस फुल दे नाल मैं वो ठाकुर की पूजा करा ते उपमा तो रहत उस परमात्मा की भगती नूं प्राप्त करा। ऐसा कोई फुल नहीं, ऐसी कोई समगरी नहीं जिहड़ी परमात्मा नूं भेट करा ते जिहदे नाल मैनूं उहदी खुशी मिले। सोहणे परमात्मा नूं प्राप्त करन वास्ते इन्हां समगरियां दी लोड़ नहीं पाई, उहदे वास्ते की लोड़ है कि रविदास महाराज दसणगे अवरन फूल अनूप न पाव रहाओ। विश्राम दी कर कहिंदे मैला घर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बस है एक संगा। फिर कहिंदे तू चंदन दा लेप नहीं करदा, चंदन रगड़ के उहदा लेप मत्थे ते लाना चाहिए, उहदे नाल मस्तक ठंडा रहिंदा है। वो जिहड़ा तर्क करन वाला आया सी कहिंदे रविदास तू बहुत छेती साडी तर्क नूं कट दिंदा, की तेरे अंदर एक क्रोध है, तेरा मस्तक गर्म रहिंदा ते इंज करिया कर, चंदन मत्थे ते लाया कर, उहदे नाल शांति बनी रहिंदी है, उहदे नाल टिकाओ बनिया रहिंदा, भगती करन दा चा पैदा हुंदा। ते रविदास महाराज कहिंदे मैलागर नूं कहा जांदा चंदन नूं, माले पर्वत उत्ते भाव के चंदन दा बूटा बहुत खुशबूदार हुंदा है, पर वो चंदन दे बूटिया नूं किहने बेड़िया पिया है, लपेटा किहने मारिया सप ने भयंगा, सप ने लपेटा मार के उस चंदन दे रुख नूं जूठा कर दिता। बिखे अमृत बस है एक संगा, नाल ही चंदन की खुशबू अमृत रूपी है ते सप का जहर वो भी कट्ठे हैं, दोनों कट्ठे रह करके हुण चंदन दे विच भी सप के गुण तो आने ही है। बेशक चंदन खुशबूदार है ठंडा है, पर अंदर जहर का असर तो वो उपर होया ही है, पर उस तो भी मैनू डर लगता भाई चंदन के नाल बहुती ठंडक मिलने वाली नहीं। असली ठंडक कल ताती ठंडा हरनाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। धूप दीप नहीं बेदहे बासा, कैसे पूज करहे तेरी दासा। सुगंधी आन जान वास्ते, सुगंधी वास्ते धूप, फिर जोत प्रकाश करन वास्ते दीप बालना पैंदा है, फिर परमात्मा नूं ठाकुरां नूं भोग लवाउण वास्ते प्रशादा चाहिए, लंगर चाहिए, पकवान चाहिए हन। कहिंदे इह तां सारे पहलां झूठे हन, सुची चीज मैंने इन्हां विच कोई ना दी है। परमात्मा कैसे पूज करे तेरी दासा, किवें तेरी पूजा करिए असीं तेरे भगत, किवें तेरी पूजा कर सकदे हां। फिर रविदास महाराज उस तर्क करन वाले नूं जवाब दिंदे हन, तन मन अर्पों पूज चढ़ावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो।
तन अते मन नूं अर्पण करना यही असली फुल है, यही असली भेट करन वाली चीज़ है भाई। धूप दीप भोजन जां फुल जां दुध जां जल भेट करना इन्हां समग्रियों की लोड़ तां बाहरों होगी पर अंदर अंदर आत्मे जिहड़ी चीज़ भेट करनी हुंदी है वह है तन ते मन। तन मन अर्पो पूज चढ़ावो, यही पूजा दे भेटा करिए ताही पूजा सफल होवेगी। पूजा कीचै नाम ध्याईऐ बिन नावै पूज ना होए। तेरा नाम क्रीचण नाठिया जे मन उरसा होए, करनी कूकू जे रुलै घट अंतर पूजा होए। पूजा कीचै नाम ध्याईऐ बिन नावै पूज ना होए, बिना नाम तो पूजा नहीं हो सकती। गुर प्रसाद निरंजन पाओ, तन अते मन नूं भेट करके जो पूजा करांगे ना तो गुरु की कृपा दे नाल ओह जिहड़ा माया तो रहत निरलेप परमात्मा है ना, जिहदे मत्थे ते कोई अंजन नहीं, कोई सुरमा नहीं भाव के कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, उहदे जीवन दे उपर उहदे नाम दे उपर कोई गुनाह नहीं है। ते जे उहदा नाम जपीए ते सारे गुनाह सारे धब्बे सारे कालखां लथ जांदियां जीवन दे विचों। उहनूं निरंजन कहा जांदा है। उहदी प्राप्ति ताही हो सकदी जे अपना तन अते मन भेट कर दईए तां पूजा करीए। अखीर ते महाराज कहिंदे हन, पूजा अर्चा आहे न तोरी। हे परमात्मा, जे सुचे दुध फुल धूप चंदन ते सोहणे सोहणे पकवान भेट करके पूजा आउंदी ते इह पूजा मैनूं नहीं आउंदी, ना ही इह चीज़ां मेरे कोल हन। ते तेरी पूजा करन वास्ते मेरे तां इक्को चीज़ है, उह है तन ते मन ते तेरी भगती नाम जपना, यही मेरे कोल पूजा है, होर मेरे कोल आही नहीं। भाव के ये चीज़ा मौजूद नहीं, ना ही मैं कितों लिया सकदा, पैसा नहीं मेरे कोल। कह रविदास कवन गत मोरी। रविदास महाराज कहिंदे फिर किस ढंग दे नाल मेरी गत होवेगी। वाहिगुरु जी ये तू ही जानदा है, जे तैनू भगती पसंद है भगती मैं कर सकदा, जे तैनू धूप दीप पसंद है पर वह मेरे कोल है नहीं, वह भेट करके भी भगती करनी पैंदी है, वह ना भेट करिए तां भी भगती करके परमात्मा की खुशी प्राप्त की जा सकती है। वह जिहड़ा तर्क करन वाला सी हथ जोड़ के चला गया पर अंदर आत्मे प्रसन्न नहीं होया, कहिंदे इन्हां दा अपना जीवन है, अपनी सोच है, इन्हां नूं की समझाइए। ये नहीं किसी की मनते, वे वे पंडितों तो नहीं मनते, वे वे ब्राह्मणों तो नहीं मनते, इन्हों का अपना ही जीवन है, अपनी मौज है, अपनी भगती लील रहते हैं। तो किसी भी जप तप के किसी भी पूजा पाठ के श्रद्धा भावना नहीं रखते। रविदास महाराज कहते भाई भगती सब तो श्रेष्ठ चीज़ है, सब तो उत्तम चीज़ है, उ करनी चाहिए, वो ही लोग सुखी है पर लोग सुहेली होवे। धन धन बाबा रविदास महाराज जी का शब्द है, वह भी आप विचारना करिए, जो कि सोठ राग दे विच सत शब्द हैं, उन्होंने सत्ता शब्दों के आप एक शब्द को आप विचारांगे, जिन्हों आप कई बार आप हुक्मनामे साहब के रूप भी दर्शन किए हैं, उस शब्द को आप इसी तरह लड़ीवार विचार के अनुसार आप विचारना करांगे। उस शब्द विच रविदास महाराज जी सानू की मत दिंदे हन, आओ इसनू आपां सरल अर्थां विच विचारन की कोशिश करिए। 657 अंग ते शब्द सुभायमान है, सोरठ राग च बाणी है। राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो जो इको एक परमेश्वर है, सच्चे गुरां दी कृपा दे नाल मिलदा है, उहदी प्राप्ति सच्चे गुरां दे शब्द दे नाल प्राप्ति हुंदी है। सोठ राग च भगत रविदास महाराज दी बाणी सरवण करो जी। जब हम होते तब तू नाहीं, अब तू ही मैं नाहीं। हे परमात्मा, जदों मेरे मन विच मैं सी ना, मैं मेरी सी, अपनत सी, हंगता ममता सी कि यह काम मैं किया, यह काम मैं कर सकता, मैं किया सी तां सही होया। जदों तक मेरे अंदर मैं मेरी सी हंगता ममता सी उदों तेरी कोई झलक नहीं पैंदी सी, उदों तू नहीं कित प्रगट होया, तेरा आनंद कदे प्राप्त नहीं होया वाहिगुरु जी। तो हुण जदों गुरु की कृपा दे नाल शब्द मेरे हिरदे विच वस गया ना, शब्द मेरे अंदर घर कर गया, वाहिगुरु जी का परमेश्वर का नाम अंदर घर कर गया, अब तू ही मैं ना, हुण तू ही तू चलदा, तू ही तू चलदा, हुण मैं कितें भी नहीं,
मैं मेरी खत्म हो गई, मेरी मेरी खत्म हो गई, अपना तो खत्म हो गई है। वह तो इंज साडा हुण हो गया जिवें समुद्र के पानी तो लहरां उठ उठ के बाहर नूं भजदियां, समुद्र के पानी विचों झग बन बन के अपना वक्रा रूप दिखाती है, समुद्र के पानी विचों बुलबुले अपना वक्रा रूप दिखाते हैं कि असी बहुत वड्डे हाँ। समुद्र दीआं लहरां लोकां नूं डरांदियां ते झग अपना वक्रा रूप बना लैंदियां कि असी समुद्र तो निर्देप हो गए, मैं बहुत सोहना सरूप बनाया, मैं बड़ा सोहना सरूप बनाया। बुलबुले अपना हंकार करते, झग अपनी हंकार करते, ते लहरां अपना हंकार करदियां। इस तरह साढ़े जीवों का हाल है महाराज, तेरे तो पैदा हो करके कोई कोई रूप बन जाता, कोई कोई रूप बन जाता है, किसी की ज़्यादा उम्र होंगी, किसी थोड़ी उम्र होंगी है, तो कोई लोगों को उदन डराई जाता है, दुनिया को डराई जाता है कि मैं बहुत ताकतवर हाँ जिवें लहरां डराउंदियां हैं, पर जो समा खत्म हो जाता है उस समुद्र में जाके मिल जाती तो शांत हो जाती है, लहर भी बुलबुले भी झग भी। असी जीव भी वाहगुरु धिर तो पैदा हो करके दुनिया को डराते धमकाते हैं, दुनिया से रोब चलाते हैं, फरमायश बहुत चलाए, बहुत हुक्म चलाने, बहुत फरमान करते हैं, पर सानू यह नहीं पता कि असी मिलना कितने जाके, साडा अंत किवें होना, तेरे विच जाके मिलना। असी हुण तेरे विच समा गए, भगती करके नाम जप जप के, अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माहि। सच्चे पातशाह जिवें बहुत वड्डा तूफान आया होवे ते वड्डियां वड्डियां समुद्री लहरां उठदियां होण, जदों समुद्र शांत हो जांदा है ते ओह लहरां उसे विच मिल जांदियां हन। जल केवल जल माही, समुद्र के पानी विच ते समुद्र दीआं लहरां विच कोई भेद नहीं हुंदा, दोने पानी दे बने हुंदे हन। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, भ्रम जे पब्बा रारा मम्मा होवे फिर भ्रम बोलीदा, जे पैर च अद्धा रारा फिर भ्रम बोलना। भ्रम दा अर्थ हुंदा भुलेखा, की कही सानू कैसा भुलेखा पै, एक भुलेखा होवे तां गल करिए, असीं तां पैर पैर ते भुलेखे दे नाल चलदे हां। माधवे, माधव दा अर्थ हुंदा माया दा पति, माया दा मालक, कुदरत दा मालक, की कहीए तैनू, सानू कैसा किहो जिहे भुलेखे पए हन असीं बयान नहीं कर सकते। जैसा मानिए होए ना तैसा, असी जो मनी बैठे हाँ वो ठीक नहीं है, संसार नू असी स्थिर मानते हाँ, अस्थिर मानते हाँ, पर संसार चलायमान है, परमात्मा सानू दिखाई नहीं दिंदा, असी इस करके उसनू मानते नहीं कि परमात्मा है नहीं, कदे कहिंदे परमात्मा है, कदे कहिंदे है नहीं, उदे लोगों ने गल्लां बनाईआं। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ छत्रपति राजा जिदे सिर ते छत्र झूलदे हन, बहुत मायाधारी तकड़ा, जमीना जायदादा दा मालक, रात नूं सुपना आया, सुपने दे विच जिहड़े लोग उन्हूं जय जयकारा करदे सन, सलामा करदे सन, हथ जोड़ के खड़दे सन, अज उही लोग घरों बाहर निकल करके इहदे झोली विच इहदे पात्र दे विच भीख पाते पए हन, भिखिया पाते हन इहदे ठूठे दे विच। रात सारी लंघ गई दी सुपने दे विच, ते मंगदा फिरदा सारी रात, मंगदियां लंघ गई, भिखारी दी जोन भुगत ली इसने। अछत राज बिछड़ दुख पाया, सोगत पई हमारी। सच्चे पातशाह जी जिदां दा उस राजे दा हाल है ना, है तां राजा उह, पर सुपने दी अवग्या दी नींद, अविद्या दी नींद, ऐसी गफलता दी नींद सुता पिया है, तो उन्होंने यही पता मैं तो राजा हाँ, एवं डरी जन्ना भिखारी का सुपना देख देख के। असी भी वाहिगुरु जी है तेरे पुत्र हाँ, राजे दे वांगू सानू राजकुमार बन के रहना चाहिदा सी, राजकुमार राजे का पुत्र हुंदा तो उन्होंने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुंदी, जेदा सत्कार राजे का हुंदा उदा ही राजकुमार का हुंदा। पर असी की करते हाँ, असी परमात्मा तो मनकर हो करके, साडा पिता परमात्मा कोई नहीं, असी नहीं मानते उसनू, असी लोगों तो भीख मंगते जाके, फिर तो लोग जेडे परमात्मा हाथ जोड़ते तो साडे हाथों में भीख पाते पे हैं। देखो राजकुमार ने जय जयकार करानी सी अपनी,
राजे का नाम रोशन करना सी। जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर उलामा मिले तही। जे कोई वड्डा बंदा होवे उहदा शाहूकार दा पुत्तर लोकां तों घर जाके रोटियां मंग मंग के खावे, कदे किसी तों पैसे लै लवे, कदे किसी तों पैसे लै लवे, लोकी जाके उलामा दिंदे फिर उह बंदे नूं, भई ताई तैनूं शर्म नहीं आंदी, तेरा मुंडा तां तेरा पुत्तर तां लोकां तों मंग के खांदा, लोकां तों पैसे मंग मंग के लैंदा, उहनूं उलामा मिलदा। जे घर हुंदा, जे घर बार हुंदिया सुंदिया सब कुछ घर विच मौजूद होवे, फिर मंगण जावे धी पुत्तर, फिर माड़ी गल है। अछत राज बिछड़ दुख पाया, सोगत पई हमारी। रविदास महाराज कहिंदे, महाराज साडी भी यही हालत है, बड़ा भुलेखा पिया सी, परमात्मा रूपी पिता नूं छड करके, राजे नूं छड करके असीं लोकां तों मंगदे हां, दुनिया तों सुख भालदे हां, हालांकि सुखां दा सागर परमात्मा है, परमात्मा साडा पिता है, सानू सुख देण वाला, पर सुख असीं होर कितों भालदे पए। राज भुयंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया। असीं रस्सी नूं सप्प समझ लैंदे हां, राज दा अर्थ हुंदा रज, रस्सी, रस्सी नूं सप्प समझ लैंदे हां, ते सप्प नूं असीं रस्सी समझ के बैठे हां। सप्प कीड़ा माया, माया रूपी सप्प जिहड़ा माया रूपी नागणी है, इस नूं पकड़ करके जदों असीं चलदे हां कि इह सानूं आसरा देवेगी, उहदी पूछ नूं पकड़ लिया, माया दी पूछ नूं पकड़ करके साडा आसरा बणेगी, ज्यों असीं उस नूं पकड़ पकड़ के अगे चलदे ते अगे की हुंदा, अगे उहदा सिर आ जांदा, मूँह आ जांदा, जिधर मूँह है तो उसने डंग तां मारने मारना है ना, सप्प दी पूछ नूं हथ लावांगे तो उहने डंग मारने मारना। इस करके वाहिगुरू जी असीं इस माया रूपी सप्प नूं रस्सी समझिया, भाव कि जीवन का आसरा समझिया, पर तू मैनू इह जणा दित्ता है, मैनू समझा दित्ता है। रविदास महाराज जी कहिंदे, अब कछ मर्म जनाया, इहदा भेद मैनू पता लग गया कि रस्सी किहड़ी है, तेरे नाम की रस्सी जिन्हां ने पकड़ी है ना, तेरे नाम की डोर जिन्हां ने पकड़ी है, उहनां नूं भाव कि माया रूपी रस्सी सप्प जिहड़ा है ना वह डंग नहीं मारदा, वह मुक्त हो जांदे उत्ते। अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन ना आया। अनक कटक, अनेक गहने पए होण एक पासे, अनेक एक पासे सोने की डली पई हो, सोने की डली भी सोने की है तो गहने भी सोने की हन। वाहिगुरु जी तू भी सोने का है, सोने वागू पवित्र है, असी जी भी तेरे तो पैदा होए हाँ, एक दिन असी भी तेरे विच मिल करके पवित्र हो जावांगे, बेशक तेरे तो अलग हाँ पर है तो वाहिगुरु जी तेरी अंश बंश। अब कहते कहन ना आया, हुण तेरे विच ते मेरे विच ऐसा कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जिवें सोना ते सोने दे गहने, जिवें समुंदर ते समुंदर दीआं लहरां, इक्को ही चीज़ है। सर्बे एक अनेकै स्वामी, सब घट भुग वै सोई। भब्बे दे पैर विच औंकड़ ते भब्बे दे सिर दे उपर होड़ा भी है, इनू ना भोगवै पढ़ना ना भुगवै पढ़ना, इनू पढ़ना भुगवै मध्यम जा पढ़ के, पोले अखर पोले मूँह दे नाल इसनू पढ़ीद। सर्वे एक अनेक है स्वामी, सारिया दे विच एक अनेक रूप हो करके विचरिया है। एक रूप अनेक दर्शन की रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे हन, परमात्मा इक्को ही एक है, सारे विच अनेकां स्वरूप हो करके बैठा पिया। जिवें चंद्रमा एक है तो उन्हूं जे थले भांडे भण के भर के रख देण पाणी दे, सौ घड़ा भर के रख दो, वह चंद्रमा सौ स्वरूप हो जाता है। वह परमात्मा सारे जीवां दे विच हरेक रूप हो करके विचर रहा है। इसे तरह सारिया घटां विच रह के, सारे हिरदिया विच रह करके सुख नूं माण रहा, आनंद माण रहा। दुख असी भोगते हाँ पर परमात्मा सदा आनंद विच रहिंदा है, वह दुख नहीं भोगता। असी बीमारियां भोगते हाँ पर परमात्मा बीमारियां नहीं भोगता। असी सुख भोगते हाँ परमात्मा सुख नहीं भोगता, परमात्मा आनंद विच रहिंदा। ना सुख की उहनूं बहुती चाह हुंदी है, ना दुख की कोई फिक्र हुंदी है। कह रविदास हाथ पै नीरै सहजे होए सोहोई। धन धन रविदास महाराज जी कहिंदे हन, वह परमात्मा साढ़े तो दूर नहीं, वख नहीं भाई, हथ तो बड़ी दूर है, साढ़े तो दो ढाई फुट दूर है हथ, साढ़े हिरदे तो बांह लंबी होंगी है,
एक बां एक हाथ जिन्ना परमात्मा साढ़े तो हाथ साढ़े दूर होगा परमात्मा दूर नहीं पैर साढ़े तो कि दूर हैं हिरदे तो पर परमात्मा दूर नहीं परमात्मा साढ़े हिरदे विच बैठा है दूर नहीं बैठा कि कह रविदास हाथ पैने रै सहते हुए सोई जो कुछ हुंदा है सुते सिद्ध उदी रजा विच हुंदा है उदी मर्जी दे नाल हुंदा है कोई किसी दे वस दी गल नहीं हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्मे जे बुझै तां हुक्मै कह ना कोई जो कुछ हुंदा उहदे हुक्म दे नाल हुंदा है उहदी मर्जी तों बिना कुछ भी नहीं हुंदा दुनिया ते सुख दुख व्याप रहे हन दुनिया ते चंगा हुंदा है माड़ा हुंदा है उहदी मर्जी दे नाल हुंदा है किसे जीव दी मर्जी नहीं इस शब्द विच रविदास महाराज ने उस परमात्मा नूं इस तरह मुखातब होकर के कहा महाराज साडे अंदर बड़े भुलेखे पए हन ते ये भुलेखे तेरे नाम दे नाल तेरी बंदगी दे नाल खत्म हो सकदे जिहड़ा तेरी बंदगी जप लैंदा कर लैंदा है वह भुलेखियां तो उपर उठ जाता है जिहड़ा बंदगी नहीं करता वह सारी जिंदगी उहदी भरम भुलेखियां विच भटकणा विच रहिंदी है चलदा तां है जिंदगी जिउंदा तां है ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ ਆਹੋ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਕਰਨ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਤ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀਂ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਤੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਮੋਹ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਹੈ ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਣਗੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੇਅ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੋਹ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਡਾ
दुनिया वाले मोह करते हो करते हो क्योंकि तेरे तो दाता प्राप्त करनी उन्होंने तेनों पूजा करते हैं तेनों जल अर्पण करते हैं तेनों भेटावान देंदे हैं पर मेरे तो कोई भेटा करने वास्ते कोई चीज़ भी नहीं ना तो मेरे को पूजा करने वास्ते कोई चीज़ है इस करके मैं तेरे नाल मोह नहीं करता की करता हाँ वो दसदे हैं जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे ये परमात्मा जो असी दुनियावी मोह दे विच फसे सां ना बन्ने सां पदार्थां दे मोह रिश्तियां दे मोह सकी संबंधियां दा मोह दुनिया दा मोह बहुत तरह दा मोह है ये रस्सियां ने सानू जगड़िया पिया सी जंजाल पिया सारे पासे ते असी उदम करके तेरा नाम जदों जपिया ना तेरा नाम साढ़े हिरदे विच वस गया ते वह रस्सियां ढिलियां हुंदियां गईयां वह जिहड़े मोह दे जंजाल सन ढिले हुंदे गए वह टुट गए ते हुण तैनू असी अपने प्रेम दे बंधन विच बन्न लिया दुनिया तेन मोह विच बन के रखती है तू उन्हां अपना नाता तोड़ लैना दुनिया तेन मोह करती है तो तू सारयां दे नाल प्यार नहीं करता तू अपना नाता तोड़ लैना पर असी तेन ऐसे प्रेम बंधन विच बन्नया प्रेम की रस्सी दे नाल बन्नया प्रेम की जेवरी वाधी उत्ते रोजन कह रविदास छुटबो कवन कौन असी तेन प्रेम की जेवरी दे नाल प्रेम की रस्सी दे नाल बन्नया है मोह की रस्सी तो तू तोड़ सकदा है पर सानू पता है तू भगतां दा प्रेम का रस्सा तू कदे तोड़ नहीं सकदा तेनू प्रेम तू प्रेम का भुखा है तू प्रेम का उपाशक है जिहड़ा तेनू प्रेम करदा है तू उहदे नाल सदा ही नाल निभदा जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम अरादे असी अपने छुटन वास्ते मोह दी जंजीरां तोड़ करके तेरे नाल प्रेम किया फिर तेनू बन लिया हुण असी तेनू बन लिया पर तू साडे तो छुटन वास्ते किहड़ा जतन करेगा हम छूटे तुम अरादे असी तो मोह तो छुटन वास्ते तेनू अरादे है ते तू साडे तो छुटकारा पाण वास्ते किहनू जपेगा तेरे तो वड्डा कोई परमात्मा तो है नहीं तू कहदे अगे जाके कहेगा कि मैनू इन्हां लोकां तो छुटाओ असी भगत जन तेनू छड़ नहीं सकते ते तू भगतां दा पक्क कदे छड़ नहीं सकता तू भगतां दा सदा ही सहायता करन वाला वाहिगुरु परमात्मा है अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम अरादे माधवे जानत हो जैसी तैसी हे माधव माधव दा अर्थ है माया दा पति माया दा मालक भाव कि कुदरत दा मालक हे कुदरत दे मालक माधव हे परमात्मा तू ही जानदा कि साडे अंदर कितना क प्रेम है जां कितना क मोह है कैसी साड़ी अंदर दी हालत है तेनू पता है असी झूठा प्यार कर देंगे या सच्चा प्यार कर दे तेरे नाल अब कहा करोगे ऐसी हुण की करेगा साड़े तो बचन वास्ते असी तो मोह दियां तंदां नूं तोड़ करके तेरे नाल प्रेम पाया ते तू साड़े तो छुटन वास्ते की जतन करेगा सानू नहीं पता है तेनू पता होगा अब कहा करोगे ऐसी रहाओ विश्राम दे करके फिर अगे भगवान जी परमात्मा जी कहिंदे रविदास तू मेरे नाल बहुत प्यार कर दें कहिंदे हाँ जी बहुत प्यार कर किदां दा प्यार कर दें दस कोई मैनू उदाहरण तो दे किदां दा प्यार कर दें फिर रविदास महाराज कहिंदे मीन पकर फंकियो वर काटियो बांध कियो रांध कियो बहु बाणी कहिंदे जिवें एक मछियारा मच्छी नूं पकड़ लैंदा है मच्छी नूं पकड़ करके घर लै आउंदा है उहनूं फंक दा भाव कट दिंदा दुफाड़ कर दिंदा है दुफाड़ करके फिर कट के निके निके टुकड़े करके पहला दो फाड़ करता है फिर वो निके निके टुकड़े करता है फिर उन्हों कई तरह के नाल बहु बाणी कोई रिन लैंदा है कोई फ्राई कर लैंदा है कोई भुन लैंदा है किसी भी तरह उन्हों खाण वास्ते उसका भोजन बना लैंदा है खाण वाला बंदा मीन पकड़ फांक्यो वर काट्यो रांध कियो बहु बाणी रांध का अर्थ है रिन लैंदा है कोई भुन लैंदा कोई उबाल लैंदा कोई कुछ कर लैंदा बहु बाणी किसी ढंग दे नाल बहु तरीकियां दे नाल कोई उहदा भोजन बना लैंदा पर खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरियो पानी मच्छी दा पानी दे नाल किन्ना प्यार है परमात्मा देख खाण वाले दे पेट विच भी चली जांदी है फिर अंदर जाके वह खाण वाले नूं प्यास किन्नी लगदी है
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਛਲਣੀ ਛਲਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਗੀਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਗੀਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਕ ਜਮਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪਾ। ਮੋਹ ਦੇ, ਮੋਹ ਦਾ ਪਟਲ ਭਾਵ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡੀਕ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿੰਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਅਬ ਇਹ ਕਾ ਸਿਉਂ ਕਹੀਐ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁੱਖ ਅਜਹੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ।